हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने से। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा। और जैसे कि मैं आपको पता है, पोहा आपके साथ मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपना पोहा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और अभी बच्चों की हैं स्कूल की छुट्टियां, तो अभी उसी हिसाब से टाइम चलता है मेरा। और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो मतलब उनकी छुट्टियां हैं, तो मैं उनको घर पर भी पढ़ाती हूं। तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत टाइम उनको दे देती हूं। और शाम को ट्यूशन तो उनका कंटिन्यूस है ही, तो अभी वो शाम को ट्यूशन जाने वाले हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ग्लूकोज। और वैसे वो दूध लेके जाते थे, ठंडा दूध पी के जाते थे, बट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है ग्लूकोन डी से, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ बहुत है। तो मैं कभी टैंग, कभी ग्लूकोज, रसना, इस तरीके का कुछ ना कुछ उन्हें देती रहती हूँ। और फ्लेवर्स भी मैं ग्लूकोज में बदलती रहती हूँ। और साथ ही साथ मैंने तेल गरम करने रख दिया है। मैं उनके लिए होममेड चिप्स फ्राई करूँगी। और ये मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख रही हूँ उनके लिए, तो हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा। और ये आलू के पापड़ और चिप्स मैं उन लोगों के लिए फ्राई कर रही हूँ। और अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। बच्चे जा चुके हैं। और ये मैंने सुबह मूंगी दाल गला दी थी, तो वो ट्यूशन से आएंगे तो उनके लिए इसका एक एक चीला बनाऊंगी मैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी लॉक्स की सब्ज़ी, मतलब गट्टे की सब्ज़ी आप लोगों के साथ में। और ये राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्ज़ी है, हर शादियों में राजस्थान में ये चलती है, हर ओकेज़न पे बनती है ये वहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, जिसमें मैं दो कटोरी दो चम्मच दही डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, पिंच ऑफ हींग, थोड़ी सी हल्दी, नमक एज़ पर योर टेस्ट,
और ये डाल रही हूँ मैं क्रश करके इसमें अजवाइन, और मैं इसको गूंथ लूँगी। वैसे मैंने इसमें दही डाल दिया है, अगर आपको रिक्वायर लगे तो आपको 2 स्पून इसमें वाटर डाल सकते हैं, बट मुझे इसमें रिक्वायर नहीं लग रही है, तो मैं इसको इसी तरीके से आटे को गूंथ लूँगी। ये हमको थोड़ा सा जिस तरीके के हम रोटी का आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा इसमें हमें गूंथना होता है, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इस आटे को आप जितना अच्छे से गूंथ लेंगी मसल मसल कर, उतने ही अच्छे आपके लॉक्स बनेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर और अच्छी तरीके से इसको गूंथ लूंगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। वैसे सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, बट ये मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये शेप में ले लूँगी दोनों को, और शेप बहुत अच्छी से देनी है जिससे आपके गट्टे बहुत देखने में अच्छे लगें। और उधर साइड में मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, और इसको खोलते हुए पानी में ही डालना है, पानी का वॉयल बिल्कुल भी कम होना नहीं चाहिए ज़्यादा डालते हुए। ये तो सिर्फ मेरे 2 हैं, जब आप ज़्यादा बनाएं तो उसमें पानी का वॉयल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और तेज़ पर इसको आप 10 मिनट्स तक बॉयल कीजिए, और साथ ही साथ मैं इसका मसाला बना ले रही हूँ, तो जिसके लिए मुझे 1 प्याज और 1 टमाटर की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़े से ही हैं तो इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो टमाटर की मैंने जो प्यूरी बना ली है, और प्याज को मैं चॉप्ड कर लूँगी। ये देखिए प्याज मैंने चॉप कर ली है, आप देख सकते हैं ये साइज में भी डबल हो गए हैं। और अभी मैं इनको शेप में काट लूंगी, आप चाहे तो थोड़ा और लंबी शेप रख सकते हैं, बट मैं ये छोटी छोटी शेप मैं इनको काट लेती हूँ। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, और अभी मैं इसके लिए ग्रेवी तैयार करूँगी। तो मैंने ये ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म होने के बाद मैं ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा स्प्लटर होने के बाद में मैं इसमें अनियन डाल दूँगी। और ये अच्छे से इसको भूनने के बाद में मैं डालूंगी इसमें अपना टमाटो का पेस्ट, और सॉरी फ्रेंड्स मैं प्याज के बाद में इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैंने अभी डाल दिया है। और कुकिंग फास्टिंग के लिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और साथ के साथ डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, गरम मसाला, और थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर। और मैं इसमें लूँगी 1 चम्मच देगी मिर्च, जिसका तीखापन इसमें नहीं होता है, बट इसका कलर बहुत अच्छा निकलता है। और ये पानी वही है जिसमें मैंने गट्टे बॉईल किए थे, तो इसी पानी को मैं यूज़ करूँगी, और इससे ये पानी में टेस्ट बहुत होता है। आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकती हैं सादा पानी से। और अभी मैं पानी में उबाल आने दूँगी, और ये डाल रही हूँ 1/2 स्पून स्पाइस मिक्स जो मेरे होममेड है। देख सकते हैं आप, पानी अच्छे से उबल चुका है, और ये मैं डाल दूंगी अपनी गट्टे, और इसको भी हमको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए पकाना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये मेरी सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो मैंने इसमें धनिया गार्निशिंग कर दिया है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो अभी मैं इनको बर्तन में डाल लूँगी। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक तो